सो हेलो गाइज, यार कैसे हो आप लोग। तो गाइज, अगर मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूं कि सिंचन की सीरीज की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस चीज क्या है, सो इस क्वेश्चन के आंसर को आप, मैं और हम में से कोई भी जो कि यार शिनचैन की सीरीज का फैन है, बहुत ही इजीली आंसर कर पाएगा। और गाइस, इस चीज का आंसर है कि यार आखिर शिन को है कौन और उसके साथ ये आदमी कौन है। और गाइस, आखिर यार शिन को शिनचैन से मिलने क्यों आती है। आपके सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है और ये यूट्यूब पे पहली बार होने वाला है। तो यार वीडियो के स्टार्ट होने से पहले यार सब्सक्राइब करना मत भूलना और यार आज की वीडियो का एक लाइक एम भी है जो कि है 15K लाइक्स का, तुम लोग पूरा कर दोगे यार। और यार ये मिस्ट्री मैंने नहीं ढूंढी है, इसका क्रेडिट जाता है एनिमेशन एरा को। सो गाइस, चलो करते हैं आज की कमाल की वीडियो को स्टार्ट। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं वीडियो में क्या बताने वाला हूं। तो यार सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद यार मैं आप लोगों को प्रूफ देने वाला हूं। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर से ही देख लेना। सो गाइस, स्टोरी की शुरुआत होती है शिनचैन जब हाई स्कूल में होता है, तो शिनचैन के साथ ही शिनचैन की क्लास में पढ़ रही होती है आईचैन। और एक दिन शिनचैन के सामने आईचैन अपनी फीलिंग्स बता देती है कि वो शिनचैन के बारे में क्या सोचती है। वो शिनचैन को ये चीज रिवील कर देती है कि वो शिनचैन से बचपन से प्यार करती आई है। ये चीज सुन के शिनचैन काफी ज्यादा हैरान होता है। आईचैन की ये सारी बात सुन के वो आईचैन को मना नहीं कर पाता और दोनों आगे जाके एक दिन शादी भी कर लेते हैं। तो यार कुछ टाइम बाद शिनचैन को एक बेटी होती है जिसका नाम होता है शिनको। अब तुम लोगों को ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा होगा। फिर गाइस टाइम आगे बढ़ता जाता है और शिनचैन और आईचैन काफी दूर रहने लग जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई भी करने लग जाते हैं। दोनों फिर अलग अलग रहने लग जाते हैं। उसके बाद यार जो शिनको होती है वो अपने पापा यानी कि शिनचैन के साथ रहने का फैसला करती है और वहाँ पर उसकी देखभाल करने के लिए होती है हिमावारी। अब यार आईचैन भी शिनको की मम्मी है, उसको भी अपनी बेटी की बहुत याद आती है और अपनी बेटी की काफी फिकर होती है, इसीलिए वो अपने सबसे बेस्ट और अपने बचपन के बॉडीगार्ड को शिनको की देखभाल करने के लिए भेज देती है। शिनको 5 साल की हो जाती है। उसके बाद शिनचैन और आईचैन एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं। ये चीज शिनको को बहुत ज्यादा दुखी करती है। जो आईचैन का बॉडीगार्ड होता है उसको भी चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती कि शिनचैन और आईचैन अलग अलग रहे। इसीलिए आईचैन का बॉडीगार्ड और शिनको एक साथ फैसला करते हैं कुछ बड़ा करने का। वो फैसला करते हैं कि वो लोग पास्ट में जाएंगे और हर चीज बचपन से बिल्कुल सही कर देंगे। तब से जब शिनचैन और आईचैन सिर्फ 5 साल के थे और शिनको आ जाती है 5 साल के शिनचैन और आईचैन के पास अपने बॉडीगार्ड के साथ। ये तो थी हमारी स्टोरी। अब इस स्टोरी में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो यार आप लोगों को अजीब लग रही होंगी। अब मैं देने वाला हूँ आप लोगों को प्रूफ। सबसे पहले तो यार आप लोग आईचैन के बचपन के बॉडीगार्ड को और जो आदमी शिनको के साथ आता है उसको एक साथ कंपेयर करोगे तो यार वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका मतलब यही बनता है कि वो दोनों एक ही इंसान हैं। और इनफैक्ट आईचैन के बॉडीगार्ड की तरह इस आदमी ने भी बिल्कुल चश्मा लगा रखा है। सो गाइस, ये बुढ़ा आदमी कोई और नहीं, आईचैन के बॉडीगार्ड का ही फ्यूचर वर्जन है। अब इतनी बड़ी चीज आप लोग नोटिस ही नहीं कर पाए। गाइज अगला क्वेश्चन, उसकी वजह से तुम लोग मुझे पागल भी कह रहे होगे। तुम लोगों के हिसाब से तो यार शिनचैन की वाइफ जो है वो है तामिको और मैं आईचैन बता रहा हूँ। सो गाइज, इसका आंसर मुझे आप ही दो कि यार जिस मूवी में तामिको अपीयर हुई थी उस मूवी में हमें ये कब दिखाया गया था कि शिनचैन और तामिको की शादी हो ही गई है, नहीं दिखाया था ना। अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो तो यार इस चीज का आंसर एक और जगह भी आप लोग ढूंढ सकते हो। जैसे कि गाइज शिनचैन की विलन और दुल्हन वाली मूवी का नाम है क्रेयॉन शिनचैन सुपर डायमेंशन द स्टॉर्म कॉल्ड माय ब्राइड। इसमें यार आप लोग सुपर डायमेंशन पे फोकस करोगे तो तुम लोगों को पता होगा कि यार डायमेंशन क्या चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार यार नोबिता किसी और डायमेंशन में गया था। वहाँ पर यार वो काफी तेज था और जो डेकिसुकी था वो काफी कमजोर था। इसका मतलब ये नहीं गाइस कि जो रियल में नोबिता है वो काफी तेज है, वो किसी और डायमेंशन में गया था इसलिए ऐसा हुआ था। और यार यही चीज आप लोग विलन और दुल्हन वाली मूवी के साथ भी रिलेट करके देख सकते हो कि गाइस शिनचैन के तुम्हें एक एपिसोड में दिखाया गया था कि जो शिनचैन की फ्यूचर वाइफ है वो शिनचैन की मॉम की तरह दिखती है। अब गाइस ऐसा तो है नहीं कि यार शिनचैन ने 3-3 शादियां कर रखी हैं। इसका मतलब यह है कि गाइस वो एक अलग डायमेंशन था, शायद तामिको किसी और डायमेंशन के साथ हो या फिर शायद तामिको और शिनचैन की शादी ही ना हुई हो। गाइस शिनचैन के एक एपिसोड में जब शिनको और आईचैन एक दूसरे से मिलते हैं तो यार वो एक दूसरे को देख के काफी हैरान होते हैं क्योंकि यार उन दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम टू सेम होती है। और इनफैक्ट जो आईचैन होती है वो शिनको से बोलती है कि अगर मैं कहीं पर जा रखी हूँ तो तुम तो मेरी जगह भी ले सकती हो। और एक और प्रूफ, जो शिनको है वो शिनचैन की बेटी है। ये तो हमें यार इस बात से पता ही है कि यार शिरो जैसे दो डॉग शिनको के पास हैं। और फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आखिर हिमावारी और शिनको का क्या रिलेशन है। और जैसा कि मैंने स्टोरी में आप लोगों को बताया था कि आईचैन के जाने के बाद शिनको की देखभाल हिमावारी ही करती थी और इसीलिए आप लोगों ने शिनको के पास वो वाला टॉय भी देखा होगा जो हिमावारी के पास था। फ्यूचर वाली हिमावारी ने ही वो वाला टॉय शिनको को दिया होगा। अब गाइज इतनी बड़ी स्टोरी, इतना सब कुछ प्रूफ देखने के बाद
तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि अश्विन को कोई और नहीं बल्कि सिंचन और आईचैन की बेटी है। तो यार ये थी मेरी थ्योरी और उसके साथ ये थे मेरे प्रूफ। आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। गाइस ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि गाइस ये सिर्फ एक थ्योरी है जो गलत भी हो सकती है, सो मैं इसके ऊपर कुछ क्लेम नहीं करना चाहता कि ये सही ही होगी। वैसे यार आप लोगों को क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में मुझे जरूर कमेंट करके बता देना। सो यार आज की इस वीडियो को लाइक एम जरूर से ही पूरा कर देना। यार ये चीज एनिमेशन एरा ने ढूंढ निकाली है तो यार उनका काफी ज्यादा थैंक्स। और अगर आप लोगों के पास मेरी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कोई चीज है या फिर कोई एविडेंस है या फिर कोई प्रूफ है तो यार आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और आज के लिए गुड बाय।